हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास और लाजवाब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं भारत के सभी 28 राज्यों को बड़ी आसानी से याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक, पार्ट 3। दोस्तों, ट्रिक ऐसी है कि देखते ही आपको भारत के सभी राज्य चुटकियों में याद हो जाएंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ट्रिक। दोस्तों, ट्रिक बताने से पहले आपको बताते चलें कि मैंने सभी भारतीय राज्यों को बड़ी आसानी से याद रखने का सबसे पहले एक दोहा तैयार किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दोहा के बाद मैंने सभी भारतीय राज्यों को याद करने की एक बेहतरीन चौपाई भी बताई थी, जैसा कि आप चौपाई की एक झलक देख पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको भारत के राज्यों को याद रखने का दोहा वाला तथा चौपाई वाला वीडियो देखना है, तो उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रिक है वो है गद्य के माध्यम से। चलिए देखते हैं। तो ट्रिक है, मित्र बिगो अतरा, कान माँ कहता है, आप मैं साझा में छह आम पाऊँ उगाऊँ। तो हमारी क्या ट्रिक है? हमारी ट्रिक है, मित्र बिगो अतरा, कान में कहता है, आप मैं साझा में छह आम पाऊँ उगाऊँ। यानी कि मित्र बिगो अतरा कान में कहता है कि आप और मैं साझा करके छह आम हिस्से में पाए हैं, चलिए उन्हें उगा लेते हैं। अब दोस्तों, इस ट्रिक का मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक का नीचे इस तरह ट्रिक को अलग अलग अक्षरों में डिवाइड कर लेते हैं, फिर प्रत्येक अक्षर से उसका मतलब समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आधी ट्रिक को डिवाइड करते हैं, मित्र बिगो अतरा कान माँ कहता है, आप मैं साझा में छह आम पाऊँ उगाऊँ, ये बाद में डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले इस आधी पंक्ति को समझ लेते हैं, मित्र बिगो अतरा कान माँ कहता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो अक्षर है मी, तो मी से हम समझेंगे मिजोरम। उसके बाद में है त्रा, तो त्रा से हम समझेंगे त्रिपुरा। उसके बाद में है वी, तो वी से है बिहार। उसके बाद में गो, तो गो से है गोवा। फिर है आ, तो आ से है अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद में है ता, तो ता से हम यहाँ पे मतलब निकालेंगे तमिलनाडु। उसके बाद में है रा, तो रा से है राजस्थान। और उसके बाद में है का, तो का का मतलब है कर्नाटक। और उसके बाद में है ना, तो ना से हम समझेंगे नागालैंड। और उसके बाद में है माँ, तो माँ से यहाँ पे हम समझेंगे महाराष्ट्र। और उसके बाद में है का, तो का से यहाँ पे मतलब जो हम समझेंगे वो है केरल। उसके बाद में हा, तो हा से है हरियाणा। और उसके बाद में है ता, तो ता का यहाँ पे मतलब है तेलंगाना। और उसके बाद में है यानी कि हा, तो हा से हम समझेंगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आगे आधी ट्रिक यानी कि आधी पंक्ति का मतलब बताने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, दोस्तों अपने सब्सक्राइबर भी काफी संख्या में हैं, फिर भी उसके हिसाब से व्यूज नहीं आ पा रहे हैं। तो शायद आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन भी ऑन कर लिया है, लेकिन आपने बेल आइकन का ऑन नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया होगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑन नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज दोस्तों, ऑन नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। दोस्तों आपको एक मज़ेदार हास्यास्पद बात बताना चाहता हूँ। क्या है कि अपने देश के कुछ राज्यों के ऐसे नाम हैं जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हो, मानो कुछ कह रहे हो। जैसे आप इन दो राज्यों को ले लीजिए, अरुणाचल तथा हिमाचल। मानो ये किसी से कह रहे हो, ए अरुणाचल, हिमाचल। आप मत कह देना किसी अनजान लड़की से जिसका नाम वास्तव में अरुणा या हिमा हो, कह देना अरुणाचल, हिमाचल, बहुत देर हो गई, चल। नहीं तो उस लड़की के अंदर एक ऐसा राज्य जाग जाएगा और आपको फिर सैंडल दिखाकर कहेगी, कर्नाटक, कर कर कर्नाटक, अभी बताती हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी आधी पंक्ति बची है, आधी ट्रिक बची है, उसको भी डिवाइड करते हैं, फिर उसका भी मतलब निकाल लेते हैं। तो आप मैं साझा में छह आम पाऊँ उगाऊँ। तो इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो अक्षर है वो है आ, तो आ से हम समझेंगे आंध्र प्रदेश। उसके बाद में है पा, तो पा से है पंजाब। और उसके बाद में है मैं, तो मैं से है मेघालय। और उसके बाद में सा, तो सा से हम यहाँ पे मतलब निकालेंगे सिक्किम। उसके बाद में झा, तो झा से है झारखंड। और उसके बाद में है यानी कि माँ, तो माँ से यहाँ पे हम समझेंगे मध्य प्रदेश। और उसके बाद में है छह, तो छह से हम समझेंगे छत्तीसगढ़। और उसके बाद में आ, तो आ से है असम। और उसके बाद में है माँ, तो माँ से है मणिपुर। और माँ के बाद में जो अक्षर है वो है पा, तो पा से हम मतलब निकालेंगे पश्चिम बंगाल।
और उसके बाद में जो अक्षर है वो है ऊ, तो ऊ से है उड़ीसा। और उसके बाद में जो हमारा अक्षर है वो है फिर से ऊ, तो यहाँ पे दूसरे ऊ का मतलब है उत्तराखंड। और उसके बाद में है गा, तो गा से हम मतलब निकालेंगे गुजरात। और गा के बाद में जो हमारा अक्षर है वो है ऊ, यानी कि ऊ 3 बार आया, तो यहाँ पे एक बार उड़ीसा, दूसरी बार उत्तराखंड, और सबसे लास्ट में जो ऊ है तो ऊ से है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और हमारा क्वेश्चन आपसे है कि भारत के 29 राज्य थे लेकिन अब वर्तमान में 28 हैं, तो कौन सा राज्य नहीं रहा है, हमें कमेंट में इसका आंसर दें। दूसरों की केयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।